जोशीमठ की उर्गम घाटी से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान फ्यूला नारायण मंदिर के कपाट सावन मास से शुरू होते ही गुरुवार को विधि विधान से खोल दिए गए। यहां भारी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में भगवान का श्रृंगार कर मंदिर के कपाट आगामी 2 माह के लिए खोले गए हैं। अब आगामी सितंबर माह की नंदा अष्टमी को ब्रह्म कमल से भगवान का श्रृंगार करने के बाद कपाट बंद किए जाएंगे। बता दें कि फ्यूला नारायण मंदिर की विशेषता ये है कि उच्च हिमालय में एकमात्र ये मंदिर ऐसा है जहां पर महिलाएं भगवान के श्रृंगार करती हैं, जबकि पूजा अर्चना पुरुष पुजारियों द्वारा ही की जाती है। चली आ रही वैदिक परंपराओं के अनुसार उर्गम घाटी के भेटा ग्राम पंचायत के परिवार अपनी बारी के क्रम में मंदिर में नारायण की पूजा करते हैं। उर्गम घाटी के शीर्ष पर विराजमान भगवान फ्यूला नारायण के कपाट आज 12 बजे विधि विधान के साथ खुल गए हैं। फ्यूला नारायण मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहां नारी जाति को है भगवान के श्रृंगार का अधिकार। यहां नारी जाति भगवान की श्रृंगार करती है और पुजारी पूजा करते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फ्यूआ फियाण कहा जाता है। भगवान फ्यूला नारायण के कपाट सावन मास की संक्रांति को खुलते हैं और नंदाष्टमी को बंद होते हैं। आज पूरे विधि विधान के साथ भगवान के कपाट खुल गए हैं, जो कि 2 महीने तक खुले रहेंगे। यदि आप भी कभी इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, तो बता दें कि ये मंदिर जोशीमठ विकास खंड की उर्गम घाटी में स्थित है। उर्गम गांव तक तीर्थयात्री वाहन से पहुंच सकते हैं, जहां पर पंचकेदार में शामिल भगवान की जटा कल्पेश्वर महादेव के मंदिर की पूजा अर्चना के बाद 4 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद भगवान फ्यूला नारायण का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि मंदिर में नारायण की मूर्ति चतुर्भुज रूप में यहां विराजमान है। मूर्ति के दोनों तरफ जय और विजय नामक 2 द्वारपाल है। पुराणों के अनुसार जय विजय नारायण के द्वारपाल थे। एक बार देवऋषि नारद को इन दोनों ने प्रणाम नहीं किया। नारद ने इन्हें राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया, जिनका रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म हुआ और राम अवतार में नारायण ने इनको मोक्ष प्रदान किया। आपको बता दें कि इस मंदिर के कपाट हर साल श्रावण विखोत के दिन खुलते हैं और भादो मास की नंदा अष्टमी को कपाट बंद होते हैं। मंदिर के कपाट खुलने पर ग्रामीणों द्वारा यहां पर अखंड धुनी प्रज्वलित की जाती है, जो कपाट बंद होने तक जलती रहती है। गांव में अत्यधिक दूर होने पर भी कपाट खुलने से बंद होने तक यहां प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है। भगवान नारायण की सत्तू और बाड़ी से विशेष भोग लगाया जाता है। फ्यू नारायण में भगवान नारायण के अलावा माँ नंदा, स्वनूल, वन देवियाँ, जाख देवता, क्षेत्रपाल, पितृदेवता की पूजा भी की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोशीमठ से पूरन भिलंगवाल की रिपोर्ट।